लो जी, अभी तो ब्रह्मास्त्र का सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर आया है और ट्रेलर के आते ही जहां एक तरफ इसकी चर्चाएं हो रही हैं, जहां एक तरफ एंटिसिपेशन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र। अब ये क्या माजरा है भला? आइए इस वीडियो में आपको बताता हूं सारी बातें। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। ब्रह्मास्त्र, सारे अस्त्रों का महाअस्त्र ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, जब से इसका ट्रेलर आया है, परसों के दिन रिलीज हुआ था, तब से लेकर अभी तक लोगों ने जहां इसको जबरदस्त अप्रिशिएट किया है, सब लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कौन क्या होगा, कौन कैसा होगा, वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ यहां पर इंडियन सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में अगर कुछ अलग बनाने की कोशिश हो रही है तो उसे बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। जी हाँ, अब आप लोग पूछेंगे कि आखिरकार बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं राहुल भाई, जरा खुल के बताओ। तो भाई देखो, सबसे पहले तो एक तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर बना दिया इन लोगों ने और ये उनकी ही कॉपीड वर्जन है। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई साहब, मार्वल डीसी का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो हमारे भारतीय जो माइथोलॉजीज होती हैं उनको लेकर नहीं होता, उनकी अपना ही भसड़ चलती रहती है। ठीक है, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा जो माइथोलॉजी है, इंडिया की जो माइथोलॉजी है, उसमें बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे तक्षक नाग से लेकर और तमाम तरीके की नंदी बैल, बहुत बहुत तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में इन माइथोलॉजी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना अगर बात की जाए, उस पर भी एक सवाल खड़ा हुआ है। जी हाँ, मोस्टली लोगों ने यही कहा है कि अगर इंडियन माइथोलॉजीज का मजाक उड़ाया गया है, अगर उन्हें तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है, तो सॉरी बॉस अयान मुखर्जी, तुम्हारा पैकअप कर देंगे हम लोग और तुम जो है अपनी ब्रह्मास्त्र को लेकर चले जाओ। इनिशियली दोस्तों, ये जो फिल्म है ये 3 पार्ट में रिलीज होगी ब्रह्मास्त्र। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं तो अगर ये चलती है, सुपरहिट होती है, तो ब्रह्मास्त्र का हमारा अपना यूनिवर्स होगा। कैन यू जस्ट इमेजिन कितना कूल होगा, जिस तरीके से डीसी मार्वल इनका अपना अलग यूनिवर्स है, हमारा अपना खुद का इंडियंस का होगा ब्रह्मास्त्र। इट्स सो कूल। बट लोगों की टेंशन यही है कि कहीं हमारी माइथोलॉजीज के साथ जो है इन्होंने छेड़खानी ना कर दी हो। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अंदर से कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अयान मुखर्जी एक सेंसिबल डायरेक्टर है, ठीक है, और वो जो है अभी ये जो माहौल चल रहा है उस दौरान इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते हैं कि इंडियन माइथोलॉजी को नुकसान पहुंचाए, राइट। और वो खुद एक मतलब माइथो वाले किस्म के हैं, उनके मैंने जब इंटरव्यूज़ देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, तो उन इंटरव्यूज़ में उन्होंने काफ़ी बार जो है चीज़ें करी हैं। और प्लस 2013 से लेकर वो अब तक मतलब लगा लीजिए इस पे ही काम कर रहे हैं, तो बंदे ने रिसर्च किया होगा, राइट, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। और ठीक है, अगर वो काल्पनिक कल्पना वाला जो एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं, वैधानिक चेतावनी डाल देते हैं, वो भी ठीक है। खैर, वैसे आपको क्या है कहना, क्या बॉयकॉट करना चाहिए? यार देखो, एक तरफ तो आप लोग मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बॉलीवुड कुछ नया नहीं कर रहा, बॉलीवुड में सब कॉपी पेस्ट होता है, थुकपट्टी का काम होता है, कभी पंजाबी गानों को चुरा लिया जाता है, कभी साउथ की फिल्म्स ले ली जाती है, ओरिजिनलिटी ख़त्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अब जब कुछ ओरिजिनल आ रहा है तो उस पर एक और बवाल, ये रुक।